हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज मैंने फीमेल कैरेक्टर का एक पोर्ट्रेट स्केच बनाया है जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ख़ास है और मैं बहुत खुद को क्या ही बोलूँ, मतलब खुश नसीब जैसा महसूस कर रहा हूँ आज, क्योंकि ये मेरे एक गुरु है, सिंगिंग क्लास का टीचर है फोनट्रो में। आप लोगों को बताया था पिछले एक दो वीडियो में, शायद बताया था। सो फ्रेंड, ये मेरा गुरुजी है और उनका भी एक रिक्वेस्ट था और मेरा भी बहुत दिल था उनका भी मैं एक स्केच बनाऊं। सो मैडम जी, आपको बहुत 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 शुक्रिया और बहुत बहुत प्रणाम। सो फ्रेंड, आप लोग भी देखते रहिए वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहना। और जैसे मैंने मतलब जिस तरह से मैंने ये स्केच बनाया है, आप लोग भी देखिए। अगर सीखना चाहते हो तो उसको नॉर्मल मोड से थोड़ा नीचे करके, मतलब स्लो करके आप लोग इसको देख सकते हो, तो बखूबी से आप लोग सीख भी सकते हो, ठीक है ना। तो और क्या बोलूँ, लास्ट में मिलते हैं, ठीक है।
हेलो दोस्तों, तो आज का मैडम जी का पोर्ट्रेट तो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इस आज पोर्ट्रेट में जितने भी मतलब मटेरियल मैंने यूज़ किया है आज उनके मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं वो सब। उनमें जो पेंसिल यूज़ किया है, और एक बात मैं आप लोगों से पहले बता दूं, अगले एक वीडियो में एक मतलब कमेंट आया था कि पहले ही आप मतलब ड्राइंग कर लेते हो और उसके बाद उसके ऊपर ही ऐसे घिस के मतलब दिखा देती हो। ऐसे बात नहीं है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले ही मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुका हूं कि आउटलाइन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए मैं वो शॉट नहीं लेता हूँ मोबाइल से। वो शॉट लेने अगर ले भी सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं वो शॉट नहीं लेता। सो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग भी बात को समझा करो, इसलिए आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैं वो शॉट नहीं लेता। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक आउटलाइन वाला भी एक वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज का मटेरियल है 2B, 4B, 6B, 8B, 10B एंड 12B पेंसिल्स, और टिश्यू पेपर का मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, और एक मतलब ब्रश का यूज़ किया है जो मेकअप में आता है, वो ऐसा ही ब्रश है। सो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप लोग भी मुझे बताइए, आप लोगों की बताने से ही मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, कंजूसी मत करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नए वीडियो के साथ मैं फिर से मिलता हूँ।